गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुंडागिरदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिरदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिरदी नहीं चलेगी, अपराधियों को गिरफ्तार करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिरदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिरदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, मोदी हाथ में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है सर? हमारे साथ लूट हुई थी, इसने अखिलेश जैन जो पत्रकार है जन जन जागरण का, उनने करवाई थी और वे उसी पे मामले में अपने जो उन जिस लोगों से उनने करवाई थी उन लोगों को बचाना चाहते हैं और उनने कबूल भी किया कि हमारे लोग हैं और सरकार उन लोगों को बंद नहीं कर रही, वो अपनी पत्रकार की आड़ में सब कुछ कर रहा है। मामला दर्ज हुआ था? हाँ, मामला दर्ज है और FIR भी कट चुकी उसके नाम पर, अभी भी वो बचा फिर रहा है, लेकिन उसमें कई और भी उसने कई मामले दर्ज करवा दिए, मतलब कई लूटमारी करवा दी, कई आदमी को मारपीट की और पहले भी की कई बार। क्या हुआ था गांव में? गांव में अभी एक दिन मेरे घर पे फायरिंग करवा दी उसने, और उस मामले में जब वे भाग चुके यहां से फिर उनके नाम पे, इसके बाद उनने फिर छोड़वा दी कल के दिन, कल मरवाने की धमकी दी कि मैं जैसा छूटूंगा जेल में जाऊँगा तो भी मरवा दूंगा, बाहर रहूँगा तो भी मरवाऊँगा, तेरे को रह नहीं पाएगा तू। क्या मांग करती है? हम ये मांग करते हैं कि बंद हो जाए उसके जो भी और साथी हैं वे भी बंद हो जाएं। गिरफ्तारी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? अभी नहीं किया गिरफ्तार। सर जी, आपका नाम और पदनाम? मैं मोतीलाल गौतम हूँ, भीमालवी से मंडल अध्यक्ष हूँ, झांसी मंडल से। क्या मामला है? क्योंकि जो सुनने में आया कुछ दिन पहले कि गाँव जो गेवरा गुदेरा है तालवट क्षेत्र में है, तो वहाँ पर कुछ दिन पूर्व जो पीड़ित पक्ष बैठा इनके साथ मारपीट और लूट हुई थी, लूट का मुकदमा भी दर्ज है और उसके बाद इन लोगों के साथ जो आरोपी ने जो दबंग किस्म के जो व्यक्ति हैं जैन साहब अखिलेश जैन जो पत्रकार भी हैं वो, और उनकी दबंगई इतनी है कि उन्होंने पीड़ित पक्ष को दबाने के लिए उन पर गोली चलवाई जिससे पीड़ित पक्ष काफ़ी भयभीत है। आज हम लोग यहाँ पर ये मांग करने के लिए आए हैं कि जो अपराधी है, जो दोषी है, उसको हर हाल में जो कार्रवाई हुई, जो मुकदमा हुआ है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रशासन के द्वारा अगर उनको बचाया जा रहा है, तो भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, वो हर संभव खड़ी रहेगी। तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी, भविष्य में बड़ा आंदोलन की हम लोग चेतावनी देते हैं।